क्या अमेठी का माहौल है इस समय? अमेठी का माहौल तो बिल्कुल स्पष्ट है। बहुत लोग कयास लगा रहे थे कि गांधी परिवार से कोई आके चुनाव यहाँ लड़ेगा, लेकिन मुझे जो लगता है कि उन्होंने सर्वे कराया और सर्वे में ये पाया कि मैं एक बार तो हार चुका हूँ और फिर जा करके वहाँ दोबारा हारूँ, ऐसा सोच करके उन्होंने अपने एक काम देखने वाले यहाँ पर किशोरीलाल शर्मा को उतारा मैदान में, जिनका न कोई वजूद है न जिनकी कोई पकड़ है। वो तो समय और वक्त बताएगा कि अमेठी कितनी रफ्तार में बीजेपी को जिताएगा। मोदी को जुमलेबाज बोले गए हैं कि वो झूठ बोल? नहीं नहीं, झूठ नहीं बोल रहे हैं, वो जो काम कर रहे हैं ठोस काम कर रहे हैं, ठोस कदम उठा रहे हैं। इंडिया ने गठबंधन भी कर लिया है, सपा भी उनके साथ में है, कांग्रेस पड़ता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सपा के वोटर उनको नहीं जाएंगे? कुछ नहीं, जिसको जहां देना है वो सब। आप अमेठी से? हां, क्या नाम है आपका? राम मिलन यादव। अरे यादव जी, तो यादव जी आप अगर आप सपा की बात नहीं कर रहे, आप मतलब कांग्रेस की बात नहीं कर रहे, जिसको फायदा होगा वही तो रहेगा। क्या फायदा दिया है सबको जो पहले नहीं मिलता था, आज मिल रहा है लोगों को। जैसे अब जैसे राशन मिल रहा है, बिजली मिल रही है, सड़क भी मिल रही है हर जगह, रोजगार। अमेठी के माहौल को जानने के लिए हम निकले और हमारी मुलाकात हुई पूर्व ब्लॉक प्रमुख से, घनश्याम चौरसी जी हमारे साथ में हैं। हम इनसे जानेंगे कि इस समय अमेठी किस रूप में जा रहा है, कैंडिडेट सारे आ गए हैं, तो पूर्व प्रमुख जी और प्रेजेंट में आप प्रतिनिधि भी हैं शायद ब्लॉक प्रमुख के, तो क्या अमेठी के माहौल है इस समय सर? अमेठी का माहौल तो बिल्कुल स्पष्ट है। बहुत लोग कयास लगा रहे थे कि गांधी परिवार से कोई आके चुनाव यहाँ लड़ेगा, लेकिन मुझे जो लगता है कि उन्होंने सर्वे कराया और सर्वे में ये पाया कि मैं एक बार तो हार चुका हूँ और फिर जा करके वहाँ दोबारा हारूँ, ऐसा सोच करके उन्होंने अपने एक काम देखने वाले यहाँ पर किशोरीलाल शर्मा को उतारा मैदान में, जिनका न कोई वजूद है न जिनकी कोई पकड़ है। वो तो समय और वक्त बताएगा कि अमेठी कितनी रफ्तार में बीजेपी को जिताएगा। मतलब कहना का मतलब ये है कि क्या डमी कैंडिडेट डाल दिया गया है? बस यही है, डमी कैंडिडेट ही हैं वो। वो चुनाव लड़ने नहीं आए हैं, वो डमी कैंडिडेट के रूप में आए हैं। यद्यपि वो राहुल गांधी जी के साथ, राजीव जी के साथ रहे यहाँ पे, प्रियंका उनके सोनिया जी के साथ यहाँ पे रहे, उनका प्रतिनिधि बन के काम किए, लेकिन जो भी कार्य हुआ उनके पीरियड में, राहुल जी यहाँ 15 साल सांसद रहे और 10 साल तो यहाँ की जनता उनको एज ए प्रधानमंत्री के रूप में देखती रही, लेकिन उनके पीरियड में जब वो सांसद थे तो यही बाईपास जो आप देख रहे हैं इसमें लोग नेतागिरी करने के लिए गड्ढे में जब पानी भरता था तो धान की रोपाई करके अब टोपी लगा करके दिखाते थे कि यह अमेठी का विकास है। वही तो सांसद थे उस समय राहुल जी, जब भाजपा की सांसद स्मृति ईरानी जी बनी यहाँ से, तो आज वही बाईपास देख लीजिए क्या कंडीशन है। बाईपास बिल्कुल, उस पर सड़कें बढ़िया अच्छी बन गई और यहाँ पर ओवर ब्रिज के लिए जितना लोग परेशान रहते थे, यहाँ तक कि आपसे बताएं महिलाएं दो एक केस ऐसे हो चुके हैं कि उनके डिलीवरी केसेस में उनकी जान तक उनको गंवाना पड़ा। तो कहीं ना कहीं आप प्रमुख जी ये बताना चाह रहे हैं कि विकास जो हो गया है जी, जी, उसकी वजह से जनता साथ में है? निश्चित तौर पर विकास हर क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हुआ है, चाहे वो रोड के बारे में ले लीजिए, चाहे रेलवे लाइन के बारे में ले लीजिए, चाहे विद्युतीकरण के बारे में ले लीजिए। यही बिजली इस क्षेत्र को जब 4-6 घंटा मिलती थी पिछली सरकारों में, और जब आज अमेठी कस्बे जैसे में 24 घंटा लाइट रह रही है। अगर हम बात करें तो ये तो विकास तो मूलभूत समस्याएं हैं जिस पे हो सकता है काम हुआ है, आप लोग जानते हैं, मैं तो जानने आया हूं, लेकिन जाति समीकरण को कैसे बदल पाएंगे? हर पार्टियां एक जाति समीकरण लेके आती हैं कि इतना वोट तो मेरा फिक्स है। आपकी बात से मैं सहमत हूं, लेकिन अमेठी में कोई जाति समीकरण नहीं रह गया है। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि बसपा के सारे वोटर टूट चुके हैं, वो इधर उधर हो गए हैं, और जो गरीब लोग हैं जिनको ये सरकार फ्री में मुफ्त में राशन दे रही है, आयुष्मान कार्ड के द्वारा 5 लाख की दवा करवा रही है, सब किसानों को किसान सम्मान निधि साल में 6,000 रुपया मिल रहा है, तो लोग भी तो महसूस करते हैं कि हमें कितनी सारी सुविधाएं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, मोदी जी की तरफ से। अच्छा, एक सवाल मैं ये कर रहा हूँ कि मान लेते हैं कि ये सारी चीजें आप जो गिना रहे हैं, एक जो आम इंसान है उसके जैसा आप लेके अनुभव कर रहे हैं या कोई प्रतिनिधि बन के आप भाजपा की तरफ से बात कर? कोई प्रतिनिधि नहीं, मैंने आपसे कोई प्रतिनिधि वाली बात नहीं की है। आप क्षेत्र में जाएंगे, गांव में जाएंगे और लोगों से मिल करके जब बात करेंगे तो जो सही चीज है उसको तो कोई नकार नहीं पाएगा। हमें कांग्रेस अपने समय की 2-4 उपलब्धियां गिनवा दें जी, और मैं भारतीय जनता पार्टी की कई उपलब्धियां आपको गिनवाऊंगा। देखिए, आम जनता की बात मैं करने आया था, आम जनता से बात कर रहा हूं, प्रमुख जी मिले आपसे बात हुई, लेकिन अगर आपने बात रखी कि दावेदारी कर रहे हैं कि आम जनता की बात है, तो आम जनता भी कुछ लोग साथ में खड़े हैं जिनका कोई शायद वजूद ना रहा हो, कोई चुनाव न लड़े हो, इनसे बात कर लेते हैं। क्यों भाई साहब, आप इनकी बातों से सहमत हैं? बिल्कुल सहमत है, पूरी तरीके से सहमत है। आपके साथ खड़े इसलिए या? नहीं नहीं नहीं, अपने मन की बात कर रहे हैं। क्या नाम है जी आपका? संजय सिंह। संजय सिंह जी, तो क्या अच्छी नीतियाँ लगी है आपको जो इनकी बातों से सहमत हो? हम इनकी हर नीतियाँ अच्छी हैं, जैसे सबसे बढ़िया तो ओवर ब्रिज बन गया,
जैसे बता रहे हैं प्रमुख जी कि महिला मर्ग जाम का जाम खत्म हो गया। आप रेलवे स्टेशन आप जाके देख लीजिए, दोहरीकरण हो गया। यहाँ से लखनऊ अब ट्रेनें लेट नहीं होती हैं। कांग्रेस भी कहती थी हाँ दोहरीकरण होगा होगा, बस हुआ नहीं। कागज पे होगा ऐसे नहीं हुआ, अब तो हो गया मोदी के राज में। हो गया भाई, मोदी के राज में हो गया है। लेकिन ये चुनाव अब फिर से आ गया और कांग्रेस लहर बना दी है कि मोदी जितनी बातें करते हैं जुमलेबाजी करते हैं। स्मृति दीदी जीते ही ऐसे नहीं, मोदी को जुमलेबाज बोले गए कि वो झूठ बोलते हैं। नहीं झूठ नहीं बोल रहे, वो जो काम कर रहे हैं ठोस काम कर रहे हैं, ठोस कदम उठा रहे हैं। अब इंडिया ने गठबंधन भी कर लिया है, सपा भी उनके साथ में है। कांग्रेस पड़ता उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सपा के वोटर उनको नहीं जाएंगे कुछ नहीं, जिसको जहाँ देना है मौसम। आप अमेठी से ही हैं? हाँ, अमेठी। क्या नाम है आपका? राम मिलन यादव। अरे यादव जी, तो यादव जी आप अगर आप सपा की बात नहीं कर रहे हैं, आप कांग्रेस की बात कर रहे हैं, आप मतलब कांग्रेस की बात नहीं कर रहे हैं। जो जहाँ जिसको फायदा होगा वही तो रहेगा। क्या फायदा दे दिया? फायदा भाई मिल ही रहा है सबको, जो पहले नहीं मिलता था आज मिल रहा है लोगों को। जैसे अब जैसे राशन मिल रहा है, बिजली मिल रही है, सड़क भी मिल रही है, हर जगह रोजगार भी है। जिसको भाई जो पढ़े लिखे हैं उनको रोजगार है, जो पढ़े लिखा नहीं है उसके लिए रोजगार। आपके परिवार से कोई है रोजगार? हाँ रोजगार है, पढ़े लिखे हैं जो ड्यूटी कर रहे हैं, सर्विस कर रहे हैं। किस क्षेत्र में? अब जहाँ है पंजाब में, हरियाणा में, जहाँ भी हैं, केंद्र सरकार में है, क्या कहते हैं हमारे जैसे भाई है फौज में है, वो भी ड्यूटी पे है। अच्छा, फौज भी है? तो फौज के लोग भी आपके परिवार से जुड़े हुए हैं। तो मैं एक चीज जानता हूँ, फौजी लोग क्या सोचते हैं, क्या उनका मन में रहता है? फौजी लोगों का सोचना बस मोदी को ही वोट देना है भाई। ऐसा क्यों? ऐसा भाई पहले वो लोग नहीं चल पा रहे थे, उनको आदेश नहीं मिलता था, अब तो उनको फुल छूट है। अच्छा, हाँ हाँ। तो आपके जो फौजी परिवार से हैं वोटर यहीं के हैं कि अब वहाँ के हो गया? यहीं के। तो वोट करने आते हैं? हाँ हाँ आते हैं, आए भी थे, अभी गए फिर आ जाएंगे, वोट के समय में आ जाएंगे। तो यादव जी थे जिन्होंने बात करी सपा को ना करके कांग्रेस की बात करी। आप लोग हैं हमारे साथ में, क्यों भैया आप यहीं से अमेठी से ही हैं? क्या करते हैं सर आप? यहीं पे बिजनेस है अपना। बिजनेस है अपना पर्सनल। तो लोग बात कर रहे हैं कि इस बार अब फिर से स्मृति ईरानी जी आ रही हैं, आपको क्या लगता है ऐसा हो रहा है? अब तो चुनाव एक तरफा हो गया है, मतलब समझे नहीं। स्मृति ईरानी एक तरफा चुनाव जीत रही हैं, एक तरफा चुनाव जीत रही हैं। जमानत जब्त हो जाएगी, ऐसा कह लिए बोल रहे हैं। और क्या है जी, उनको कौन जानता था? यादव बाहुल क्षेत्र है आपका मेठी, यादव बाहुल जात के यहाँ विकास के नाम पे वोट होना है। अखिलेश जी कहते हैं कि हम अपने जातिगण समीकरण से जीत लेंगे और गठबंधन भी कर लेंगे। विकास के नाम पे वोट होना है और विकास चारों तरफ दिख रहा है, और जो डरो मत कहने वाले खुद डर के भाग गए। अमेठी जिला घोषित हो गया है लेकिन सारे मुख्यालय पहुंच गए हैं गौरीगंज, इसका मलाल नहीं है क्या? नहीं इसका मलाल नहीं है, पहले जिला मुख्यालय एक सेंटर दे के किया जाता है, यहाँ विकास भी ज्यादा होता है। नहीं विकास तो वैसे भी यहाँ हुआ है और गौरीगंज अमेठी में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, बहुत ज्यादा। युवा साथी हमारे साथ जुड़े थे, उन्होंने भी अपनी बात कही, और भी लोगों से मिलेंगे इस क्षेत्र में, अगर कुछ लोग मिलते हैं उनसे बात होती है। क्यों भैया आप पढ़े लिखे युवा हैं, रोजगार हो रहा है कुछ? बिल्कुल हो रहा है। क्या करते हैं? बिजनेस चल रहा है। अच्छा, स्वरोजगार है जी। नौकरी के पीछे नहीं भागे? नहीं, नौकरी भी जब आएगी तो मिलेगी, नौकरी तो सबको थोड़ी ना है कि सबको नौकरी। वही तो मुद्दा है, वही तो मुद्दा है विपक्ष का, सपा का। बस है जो पढ़ा लिखा है, अब जब देश में 140 करोड़ जनता है तो 140 को सरकारी नौकरी तो मिल नहीं जाएगी, मिलेगी जो उस लायक होगा उस कैटेगरी। कांग्रेस को जिताइए, नौकरी तो वो बांट रहे हैं ना, उसको तो संकल्प। अरे ऐसे तो जहाँ पर उनकी सरकार है वहाँ पे कौन सा, वो सबको सब वहाँ पे सबको सरकारी नौकरी दे दिए हैं। आप राजस्थान को देख लीजिए, हिमाचल को देख लीजिए, अब वहाँ पे भी वही है सब, जैसे जहाँ कुल चल रहा है वैसे वहाँ पे भी चल रहा है। वहाँ पे भी इन्होंने बड़े बड़े वादे किए थे कि हम सारे युवाओं को हम सरकारी नौकरी दे देंगे। वहाँ पे आज तक हिमाचल में, अभी मैं हिमाचल जाके आया, अभी जब से उनकी सरकार बनी हुई है तब से एक भी वैकेंसी कोई भी नहीं निकाली हुई है, बस जितने हैं सब हवा हवाई है। आप राजस्थान हिमाचल की बात कर रहे हैं, अमेठी की बात करिए ना, यहाँ पर कितने रोजगार? नहीं आपने कांग्रेस की बात की इसलिए कि वो सत्ता में आएंगे तो जैसे बोल रहे हैं कि हम सरकारी नौकरी दे देंगे, उस बात पे मैं बोल रहा हूँ कि जहाँ पे उनकी सरकार तो महिलाओं के लिए भी घोषणा किया है, सालाना 1,00,000 रुपए देंगे। मैं कह रहा हूँ ये सब लुभावने हैं, लुभावने वादे हैं, कहाँ से जब टैक्स को इसी सब फ्री में बांट देंगे तो बाकी जो और कार्य हैं उनको कैसे करेंगे वो? ये युवा कुछ ज्यादा तो सोशल मीडिया से पढ़ लिख नहीं लिया, ऐसा कुछ नहीं? नहीं ऐसी बात नहीं है, सोशल मीडिया नहीं कुछ, हम लोग भाई पढ़े लिखे हैं, ऐसे तो है नहीं कि हम किसी के बहकावे में या सोशल मीडिया। वैसे एक बात बता दूं, मैं सोशल मीडिया पे रहता नहीं ना, तो मेरे पास इतना टाइम रहता है जी। ये बात मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि सच्चाई जानने आया हूँ अमेठी में क्या चल रहा है, तो मेरी बात को तो अन्यथा नहीं ले रहे? नहीं बिल्कुल अन्यथा क्यों लेना है जो आप बता रहे हैं। क्यों भैया इनकी बात से सहमत है?
भैया हमने पूरी बात अभी सुनी ही नहीं। पूरी बात इतना है कि इस बार स्मृति ईरानी के खिलाफ में कांग्रेस ने एक प्रत्याशी उतार दिया है किशोरी लाल जी को। जी उनको तो हम जानते ही नहीं है। कांग्रेस को तो जानते हैं, सपा को तो जानते हैं। कांग्रेस सपा को जानते हैं लेकिन उनको नहीं जानते। तो कांग्रेस और सपा के नाम पर तो वोट पड़ेगा। हाँ बिल्कुल, कहने पड़ेगा, सबके अपने अपने मत होते हैं। माहौल है उनका इस बार? नहीं मुझे तो नहीं लग रहा है। जिसको हम जानते नहीं उसको क्या वोट देंगे, इससे अच्छा जो स्मृति ईरानी जी को जानते हैं। हाँ उनको मिले हैं कभी? हाँ। क्या दिया आप? नहीं दिया कुछ थोड़ी ना, जिसको मिलेंगे उस तरह बहुत कुछ दिया है। हमारे पूरे गांव में शौचालय मिला है, हमको ओवर ब्रिज मिला है, चारों तरफ अमेठी में क्या कहते हैं बाईपास मिला है, बहुत सारी। मैं यही जानना चाहता, विकास के नाम पे पर्सनल कोई किसी कुछ नहीं देता, लेकिन क्षेत्रीय विकास अगर कोई कर देता है तो वो उसे लाभ। आप ये जानिए ककवा रोड पे आए दिन एम्बुलेंस इतने जाम लगते थे पेशेंट की जान, घटना भी हो गई, जान चली जाती थी पेशेंट वहीं, मतलब अगर जाम लग जाए तो पेशेंट की डेथ हो जाती थी। आज लेकिन कोई भी ऐसा नहीं कह सकता, डायरेक्ट अस्पताल के मोड़ पे एकदम आप ओवरब्रिज से जाइए, ओवरब्रिज से तो काम बोल रहा है, काम बोल रहा है एकदम। राहुल का नाम नहीं बोलेगा? राहुल कभी हम तो भाई उनसे तो कभी नहीं मिले हैं, कभी नहीं। तो ये अमेठी का आप जोश जुनून देख पा रहे हैं, लोग मन की बात कर रहे हैं और सब लोग अपनी। चाचा जी आप पीछे पीछे हैं, क्या बात है, वोट नहीं करेंगे क्या? हमेशा आगे रहते हैं। अच्छा आज पीछे, नहीं आज सपोर्ट कर रहे हैं, पीछे सपोर्ट कर रहे हैं। किसको? अपने भाई बंधुओं का। भाई बंधुओं का सपोर्ट इस समय नहीं है, इस समय नेताओं का सपोर्ट की बात है। किसका सपोर्ट कर रहे हैं? हम अपने जो समाज का, जो देश का, जो प्रदेश का काम करेगा उसी का। खुल के बोलेंगे वैसे चुपे चुपे चलेगा? इस समय बड़े बड़े नेता नहीं बोल रहे हैं, खुल के हमारी क्या औकात। आप तो वोटर है, आप बोल सकते हैं, समय आप ही का। वोटर जब होते जब लोग मुझे अपना समझते ना, आज वक्त के समय अपना समझ रहे हैं। अच्छा वक्त के साथ तो क्या इस बार नोटा है क्या? नोटा नहीं होगा, तो किसी को तो वोट करेंगे। वोट करेंगे हम अपने आप, थोड़ा सा पढ़े लिखे हैं तो उसका इस्तेमाल करेंगे इसका। तो अभी देखेंगे? देखेंगे नहीं, देख लिया है। देख लिया है? बताएंगे नहीं? बताएंगे नहीं, जो जीते उसी के साथ ना, मौका प्रस्त थोड़ी है। तो भाई अगर आप खुल के बोल नहीं रहे हैं, कोई ऐसा नहीं है जो मौका प्रस्त है, जो मौका प्रस्त लोग हैं वो क्षण भंगुर है। भैया ने कहा कि हम बीजेपी के साथ हैं, उन्होंने कहा कि हम कांग्रेस, वो हैं ना कि किसके साथ है। मैं जो देश का, समाज का, शिक्षा का, स्वास्थ्य का ध्यान रखेगा, जो जिसने रखा हम उसके साथ रहे। सही नेता है आप, आधी बातें मन में और आधी बातें खुल के, तो ये माहौल है। सही बात है, आप अन्यथा मत लीजिएगा बातों का। यही जानने आए हैं कि अमेठी में हो क्या रहा है, अमेठी की जनता का सोच क्या रही है, वो सारी चीजें हैं। आप भी कुछ कहना चाहें? क्या नाम है? ठीक है सब। वोटर हैं आप? जी। तो आप बोलना क्यों नहीं चाह रहे हैं? कोई समस्या? ठीक है सब, संतुष्ट है, सब बोल रहे हैं, ठीक है सब बोल रहे हैं। हाँ बस उसी में हम भी चर्चाएं होती हैं दुकानों पर। मैं दुकानदार से कुछ बात कर लेता हूँ। आपके यहाँ जब लोग आते हैं, पान खाते हैं, नाश्ता करते हैं, तो इस समय क्या चर्चा चल रही है? ठीक माहौल चल रहा है। किसके बारे में ज्यादा चर्चा हो? स्मृति ईरानी की। स्मृति ईरानी जी? जी जी। काहे लिए? विकास हुआ है, काफी विकास हुआ है। विकास हुआ है जी। आप लोगों के लिए रोजगार कितना बढ़ा है? महंगाई तो बहुत ज्यादा? नहीं महंगाई कहाँ है, उस हिसाब से बढ़ी है ना। नहीं पहले क्या होता था, बचत ज्यादा हो जाती थी ना, अभी क्या है महंगाई की वजह से पहले जैसा ही माहौल सही है। देखिए ये अमेठी थी, बोलती अमेठी, आप देख पा रहे हैं कि अमेठी के लोग खुद की बात कर रहे हैं, लोग जा रहे हैं और हमारे चैनल को अगर देख के लोग रुक रहे हैं तो कहीं ना कहीं उनके मन में बातें हैं। काफी देर से भैया खड़े हैं, क्या कहना चाह रहे हैं भाई? अरे कुछ नहीं, कुछ नहीं, हम लोग बात सुन रहे थे, अपनी नहीं सुनाएंगे। किसको किसको जिता रहे हैं? स्मृति ईरानी। स्मृति ईरानी को? पक्का? पक्का। ये गणित है, ये गुड़ा गणित है जो आप देख पा रहे हैं। अगर जनता बोल रही है तो हो सकता है कि क्या हो सकता है। फिर हाल हमारे चैनल साथ में बने रहेंगे तो पूरी अमेठी खबर आपको मिलेगी, घर बैठे आप जान सकते हैं और मंथन करें कि करना क्या है। मौका आपके पास है, आपके हाथ में, जितना हराना आपके हाथ में। उन सब चीज़ों के लिए आप हमारे चैनल के साथ में जुड़ जाएं और ज़्यादा से ज़्यादा खबरों को शेयर करें ताकि लोग भी अनुभव ले सकें। और अपनी बात रखने के लिए मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करने के साथ साथ वहाँ पर आप सब्सक्राइब में जाके मुझे कमेंट करें ताकि मैं आपके क्षेत्र में आ सकूँ। कैमरा मैन के साथ में हरकेश चौरसिया।